टीम पहुंची है सेंट्रल कश्मीर के चूंटवलीवार एरिया में, जो कि गांदरबल से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे पिछले दिनों से PMGSY की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड वाइंडिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड वाइंडिंग हुई है अभी हाल ही हाल में, पिछले एक हफ्ते से जो काम चल रहा है। तो यहाँ पे आज हमें यहाँ से ग्रीवेंस आई, जिसमें लोगों की ये एलिगेशंस हैं कि यहाँ पे जो रेत थी वो रेत के बदले यहाँ पे मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमारी टीम यहाँ पे मौके पे पहुंची, और मौके पे पहुंचने के बाद ये चीज़ हमें पता चली कि अभी भी वो सैंपल इसी तरह पड़ा हुआ है जो इनने दिन में इस्तेमाल किया। आपको मैं थोड़ा सा कैमरा मैन को रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा आप कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे हुई है उसकी तरफ आप थोड़ा फोकस करें। ये आज की ये कंस्ट्रक्शन है, अभी इसी तरह ये इनने डाली थी, जबकि आज धूप का सीजन है, विद इन नो टाइम में आपकी जो कंक्रीट है वो पूरी सेट हो जाती है, लेकिन इन्हें इसमें मिट्टी डाली है इसलिए ये अभी तक सेट भी नहीं हो पाया है। ये पूरी आज दिन की इनकी कंस्ट्रक्शन है, तो ये आप देख सकते हैं आज जो इनने दिन में काम किया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़ा फोकस करें। और ये जो है ये सैंपल है, ये मिट्टी जो ये इनने डाली है यहाँ पे, ये रेत के नाम पे यहाँ पे मिट्टी डाल के। तो यहाँ पे ये इधर कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करें थोड़ा फोकस करें इस पर। ये यहाँ पे इन्होंने मिट्टी डाली है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ कर रहे हैं PMGSY के काम में। तो ये पूरा आज दिन का इनका काम है, बल्कि पिछले एक हफ्ते से ये जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं सारा रफ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल अलाउड नहीं है। अंडर जो इंजीनियरिंग गाइडलाइंस हैं उनमें जो इनको प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ये बिल्कुल रफली कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इसलिए लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटीज से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर DC साहब से, कि वो इन चीज़ों का जायजा लें और इस पे फौरी तौर पे इस पे कोई कार्रवाई की जाए। मेरा नाम आकिब जावेद, मैं इलाके जूंट वाली बात तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का रहने वाला हूँ। जी आपका क्या मुतालबा है आज यहाँ? हमारा मुतालबा ये है, पिछले कुछ दिनों से हमें ये रोड वाइडनिंग और इसकी दोनों साइड से बंद आया था, तो ये कॉन्ट्रैक्टर एक को ये काम गया था, तो वो कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो मटेरियल सैंड के बदले मिट्टी ला रहा है। तो हमने कुछ दिन पहले उसे ये कहा भी था कि हमें मटेरियल परफेक्ट दो ताकि हमारा काम आप अच्छी तरह कर पाओ। कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है इसका? ये PMGSY, ये पहले R&B को थी, बट अब ये वाइडनिंग के टाइम PMGS को ये चली गई है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आप खुद दिखा भी सकते हैं कि मटेरियल सैंड के बदले पूरी मिट्टी लगा रहे हैं, ना राफ्ट डाल रहे हैं, ना बोल्डरों का कुछ काम हो रहा है, ये ऐसे ही पूरा काम करके अपना पैसा निकालना चाहते हैं। तो हम हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के DC से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो खुद यहाँ पर आए, खुद आकर हमें ये दिखा दें कि उन्हें दिखाएं कि कैसी रोड बनाते हैं, कैसी वाइडनिंग करते हैं, क्या मटेरियल यूज करते हैं। टोटली सैंड के नाम पर आप खुद ही देख सकते हैं, सैंड के नाम पे इन्होंने मिट्टी डाली है। और कुछ दिन पहले हमने फर्स्ट फेज का जब काम कर रहे थे हम इस बारे में हमने कहा था, तो उस वक्त गलती से ऐसा कहा कॉन्ट्रैक्टर ने कि गलती से हमें ये सैंड आ गई कि अगली बार ऐसा मटेरियल नहीं आएगा, लेकिन दो दिन उसने वो ठीक काम किया, आज फिर वही सैंड ला रहा है, सेम वही प्रोसीजर कर रहा है। तो आज सुबह हमने काम यहाँ बंद करवा दिया, हमने बोला हमें सेम अगर ठीक मटेरियल दे रहे हो तो काम यहाँ लगा लो, वरना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है।